Friends, myself here, Dudul Mannan. Today we will discuss about standard 7 science chapter number 7, weather, climate and adaptation of animal to climate. This is the last part of this chapter. In previous part we will discuss about lot of things. In this part we will discuss about polar region and tropical regions. ना उसके अकॉर्डिंग टू मैंने कुछ वीडियोस भी डाली थी डायरेक्ट नेट से, था आपको आपने देखी होगी तो आपको मज़ा भी आया होगा. ठीक है, तो वही चीज़ हमें आज देखना है. तो आपने वो अच्छे से देखा होगा तो आपको इजीली पता चलेगा, अदरवाइज आप अच्छे से देखोगे तो और भी आपको इसमें क्लियर हो जाएगा. ठीक है, तो द पोलर रीजन प्रेजेंट एन एक्सट्रीम क्लाइमेट. ये पोलर रीजन जो होता है वो एक्सट्रीम मतलब काफ़ी ठंडा वाला जो हमारा क्लाइमेट है वहाँ पर अवेलेबल होता है. पोलर मतलब हमारे पोल पर होता है. दिस रीजन आर कवर्ड विद द स्नो एंड वेरी कोल्ड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द ईयर. ठीक है, वो पूरे साल के अंदर काफ़ी सारा कोल्ड होता है, उसमें स्नो भी गिरता है. फॉर सिक्स मंथ द सन डज नॉट सेट एंड द पोल, वाइल फॉर द अदर सिक्स मंथ द सन डज नॉट राइज. इन विंटर द टेम्परेचर कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेल्सियस. मीन्स यहाँ पर ये पोलर रीजन्स के जो एरियाज है वहाँ पर जो कंट्रीज है जो भी है, सिक्स मंथ तक मॉर्निंग डे टू डे, सिक्स मंथ तक नाइट टू नाइट, इस तरह से होता है. मीन्स सिक्स मंथ तक सनराइज होगा, सिक्स मंथ तक सनसेट होगा. ठीक है, और उसका जो टेम्परेचर होता है नॉर्मली विंटर के टाइम पर -37 डिग्री तक भी चला जाता है. तो एनिमल्स लिविंग देयर हैव एडेप्टेड टू दिस सर्वाइव कंडीशन. लेट अस सी हाउ दे आर एडेप्टेड बाय द कंडीशनिंग द एग्जाम्पल्स ऑफ पोलर बियर एंड पेंगुइन. मीन्स वहाँ पर जो रहने वाले जो एनिमल्स जो है वो भी क्या अच्छे से सर्वाइव कर लेते हैं, मतलब वहाँ की कंडीशन से वहाँ का एडेप्टेशन मतलब वहाँ का हैबिटेट जो है, वहाँ का जो हमारा जो वातावरण है उसके अकॉर्डिंग टू क्या होता है, वो अच्छे से घुल मिल गया होता है, उसके अकॉर्डिंग टू वो जी सकते हैं. यहाँ पर हम दो चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, पोलर बियर और पेंगुइन के बारे में. तो फर्स्ट हम बात करेंगे पोलर बियर. पोलर बियर हैव द वाइट फर फॉर दैट दे आर नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नोइंग वाइट बैकग्राउंड. इट्स प्रोटेक्टेड देम फ्रॉम देयर प्रीडेटर. मीन्स वो क्या है, वाइट कलर के भालू जो हम बोलते हैं ना, वो वाइट कलर की उनकी फर होती है, मतलब उन पर वाइट कलर के पूरा जो स्किन जैसा और बाल जैसा हमारा एक फर होता है, और वो अच्छे से किसी और जो मतलब उसका प्रे करने वाला आ रहा है, मतलब उसको खाने वाला कोई शिकार करने वाला है, तो उससे वो छुप जाता है, अच्छे से वो छुप जाता है. ठीक है, प्रीडेटर मतलब उससे छुप जाता है. इट ऑल्सो हेल्प्स देम इन द कैचिंग देयर प्रे. मतलब वो अच्छे किसको शिकार करना है तो अच्छे से वो किसी का शिकार कर सकता है, क्योंकि वो किसी को दिखेगा नहीं, वाइट वाइट होगा तो वो आपको पता जल्दी नहीं चलेगा. टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड दे हैव टू थिक लेयर ऑफ फर. दे ऑल्सो हैव द लेयर ऑफ द फैट अंडर देयर स्किन. इन फैक्ट दे आर सो वेल इंसुलेटेड दैट दे हैव टू मूव स्लोली एंड रेस्ट ऑफन टू अवॉइड गेटिंग द ओवर हीटिंग. मीन्स वो क्या, उसके जो लेयर होता है उसकी स्किन के अंदर बेसिकली टू लेयर्स अवेलेबल होते हैं. उसके स्किन के अंदर एक फैट का अच्छे वाला लेयर आता है. ठीक है, उससे क्या होता है कि उसको वो हमारी जो फैट जो किसी के शरीर में जो होगा हमारी ह्यूमन बींग का, आपको देखना उसको जल्दी से ना गर्मी लगेगी. ठीक है, उसको ठंड में ही अच्छा लगेगा. ठीक है, तो उससे वो क्या करता है, अपनी बॉडी को टेम्परेचर को लो भी कर सकता है. और समटाइम्स कहीं ज़्यादा वॉकिंग कर रहा है मतलब काफ़ी ज़्यादा जल रहा है तो क्या होगा, उसको स्वेटिंग भी होगा, मतलब उसको पसीना भी होगा. तो आप सोचो -30 डिग्री सेल्सियस के अंदर भी वो ज़्यादा रनिंग कर रहा है या ज़्यादा चल रहा है तो उसको क्या होगा, वो पसीना होगा. तो ये आप सोच सकते हो कितना इसका बॉडी वो मेंटेन कर सकता है. मीन्स वो उतना लो सकता है. इतना सोचो -37 डिग्री, मतलब जैसे वो पानी की बूंद बाहर निकले तो वो बर्फ़ के साथ ही बाहर आएगी. तो इस तरह के एडेप्टेशन के अंदर भी वो इजीली वो मूव कर सकता है. ठीक है, गॉड गिफ्ट होती है ये सभी चीज़. फिजिकल एक्टिविटी ऑन वार्म डे इज द नेसेसिएट कूलिंग, सो द पोलर बियर गोज फॉर स्विमिंग. इट इज़ अ गुड स्विमर. इट्स paws are wide and large, which help is not only the swim well but also walk with easy to in the snow. means वो क्या है, जैसे कि भाई कूलिंग वाला जो एरिया जाता है, मतलब विंटर वाला जब एरिया ख़त्म होता है समर के टाइम पर, मतलब जब डेज होता है, ठीक है, तो उस टाइम या नाइट होता है, नाइट के टाइम पर वो क्या करता है कि वो उनका बॉडी का टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए वो स्विमिंग भी कर लेता है. अच्छे वो स्विमर भी होते हैं.
उनके पाउस मतलब उसके जो पैर जो होते हैं ना, वो पैर जो होते हैं ना ऐसे चौड़े होते हैं, ऐसे 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 चौड़े होते हैं। तो इजीली क्या है अपने वॉकिंग करने के लिए, स्नो के अंदर के लिए वॉकिंग करने के लिए भी क्या है उसको हेल्पिंग होता है, वो स्विमिंग भी कर सकता है। वाइल्ड स्विमर स्विमिंग अंडर वाटर इट कैन क्लोज इट्स नॉस्ट्रिल एंड कैन रिमेनिंग अंडर वाटर फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन। इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल सो दैट इट कैन कैच द प्रे फॉर फूड। वी कैन अंडरस्टैंड दैट एडेप्टेशन ऑफ पोलर बियर विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट सो इन फिगर 7.3। मतलब वो अच्छे जब वो स्विमिंग करता था उस टाइम पर अपना नोज स्टिल मतलब अपना जो नोज़ है उसको स्टॉप कर देता है और काफ़ी टाइम तक उसको स्टॉप कर सकता है। वो अंदर जाएगा पानी के अंदर जाएगा और अपना प्रे मतलब अपना शिकार ढूंढ कर वो लेकर आएगा। उसकी जो सेंसिंग जो कैपेसिटी होती है नोज की वो भी क्या काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब वो सूंघने से अच्छे से दूर से भी वो सूंघ लेगा। यहाँ पर उसका प्रे है यहाँ पर ईजिली वो कर देगा। ये चीज़ मैंने जो डिस्कस की यहाँ पर आपको दिया हुआ है। अब भालू आपको दिया हुआ, भालू हम बोलेंगे ठीक है। वो प्रीडेटर एंड प्रे आर अनेबल टू सी। वो प्रीडेटर होता है मतलब वो छुप जाते हैं और उनके सामने जो शिकार करने वाला है उसको दिखाई नहीं देता। वाइट फर इज़ नॉट ईजिली विजिबल इन द स्नो वाइट बैकग्राउंड। वाइट बैकग्राउंड के अंदर ईजिली वाइट चीज़ नहीं दिखती, वाइट के अंदर वाइट चीज़ नहीं दिखती, इसीलिए उसके ऊपर फर आया होता है। वेरी लॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, उसकी स्मेल सेंस ऑफ स्मेल लॉन्ग होती है ठीक है। लॉन्ग काउज एंड शार्प क्लेव्स ठीक है, उसके लॉन्ग लॉन्ग काउज होते हैं, शार्प क्लेव्स भी होते हैं। दिस हेल्प इट्स वॉक ऑन आइस ठीक है, वो इसीलिए जैसे वो चल सकता है। ये सब चीज़ हमने जो डिस्कस की वही आपको यहाँ पर पॉइंट वाइज दिया हुआ है, तो आपको वो देख लेना है। अब जो हम डिस्कस करने वाले हैं पेंगुइन की बात करें। पेंगुइन अनदर वेल नोन एनिमल लिविंग इन द पोलर रीजन इन द पेंगुइन। इट इज़ ऑल्सो वाइट एंड मर्ज वेल विद द वाइट बैकग्राउंड ठीक है। वो भी क्या वाइट होते हैं और वो इसलिए वाइट बैकग्राउंड के अंदर वो अच्छे से वो छिप जाते हैं ठीक है। यहाँ पर ब्लैक ब्लैक कलर का थोड़ा बहुत होता है उसके अंदर, पर वो ईजिली छुप जाता है। इट ऑल्सो हैज़ अ थिक स्किन एंड द लॉट ऑफ फैट टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोल्ड। यू मे सीन द पिक्चर ऑफ द पेंगुइन पेंगुइन हैंडल टुगेदर दिस दे टू डू नॉट कैप वार्म। रिकॉल हाउ वार्म यू फील वेन यू आर द फॉल फुल ऑफ पीपल ठीक है। तो क्या है उसके भी एक प्रोटेक्टेड हमारा उसके ऊपर स्किन का अच्छा थिक लेयर होता है ठीक है, वो अच्छे से उसको प्रोटेक्ट कर सकता है ठीक है। वो अच्छे से हैंडल भी कर सकता है किसी के, वो जब वो वार्म वाले एरिया में भी वो इजिली वो रह सकता है। लाइक पोलर बियर पेंगुइन एंड ऑल्सो गुड स्विमर, वो दोनों के गुड अच्छे स्विमर होते हैं तो वो भी स्विम कर सकता है पेंगुइन भी। देयर बॉडीज आर स्ट्रीमलाइन एंड देयर फीट हैव द वेव्स एंड मेकिंग देम गुड स्विमर्स। उनके जो वेव्स होते हैं मतलब उनके पाँव जो होते हैं वो अच्छे वो फ्लैट होते हैं, स्ट्रीमलाइन होती है बॉडी भी, उनकी स्ट्रीमलाइन होती है इसीलिए वो अच्छे से क्या करते हैं स्विमिंग कर सकते हैं। अनदर एलिमेंट एनिमल्स लिविंग इन द पोलर रीजन्स आर मैनी टाइप ऑफ फिशेस, मस्क, ऑक्सन, रैंडीड्स, फॉक्सिस, सील्स, वेल्स एंड बर्ड्स। काफ़ी सारे एनिमल्स भी पोलर रीजन्स में जैसे मिलते हैं, जैसे मस्क है, ऑक्सन है, फॉक्स है, सील्स है, वेल्स है, बर्ड्स है। इट इज़ टू बी द नोटेड दैट वाइल द फिश कैन रिमेन अंडर द कोल्ड वाटर फॉर लॉन्ग, बर्ड मस्ट रिमेनिंग वार्म टू सर्वाइव। दे माइग्रेट टू वार्मर रीजन वैन विंटर सेट इन। दे कम्स बैक आफ्टर द विंटर इज ओवर। यू नो प्रोबेबिलिटी द इंडिया इज वन ऑफ द डेस्टिनेशन ऑफ मैनी ऑफ दिस बर्ड। यू मस्ट हैव सीन अ हेड अबाउट द साइबेरियन क्रैंस दैट कम्स फ्रॉम द साइबेरिया टू प्लेस लाइक द भरतपुर इन राजस्थान एंड सुल्तानपुर इन हरियाणा ठीक है। तो वो जो क्या है आपको देखो जो हमारी जो फीस है नॉर्मल हमारी यहाँ पर जो फीस जो होती है वो नॉर्मल वाटर के अंदर वो रह सकती है, ज़्यादा कोल्ड होगा या ज़्यादा हॉट होगा तो वो नहीं रह सकती। पर वहाँ पर की जो बर्ड्स होते हैं और फिशेस होते हैं वो इजीली वो एडेप्टेशन में जी सकते हैं, मतलब उनका ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर उस टाइप का होता ही है। समटाइम्स जो बर्ड जो है जैसे वो विंटर जो हमारा ख़त्म होता है और हमारा जो विंटर उस रीजन के अंदर जब ख़त्म होता है तो क्या होता है कि जब समर आने के समर है या विंटर आने का जैसे स्टार्ट होता है तब वो क्या करते हैं वहाँ से वो निकल जाते हैं, मतलब वहाँ से बर्ड क्या है उसको हम क्या बोलेंगे साइबेरियन कैन बोलेंगे ठीक है। वो क्या वहाँ से अपना प्लेस चेंज कर लेते हैं, मतलब जहाँ पर ठंड वाला जो
एरियाज है, जिस सिटीज़ में कंट्रीज़ वहाँ पर वो क्या करते, वो अपना वहाँ से वो निकल कर वो वहाँ पर पहुँच जाते थे। जिस तरह से हमारे इंडिया के अंदर साइबेरियन क्रैन करके जो जो बर्ड है वो क्या अवेलेबल होता है, उसको साइबेरिया साथ इतना काफ़ी सारा रनिंग कर कर वो यहाँ पर भरतपुर है, राजस्थान के अंदर भरतपुर है और सुल्तानपुर है हरियाणा के अंदर, वो क्या वहाँ पर वो अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देखो ये जो बर्ड है साइबेरियन क्रैन है वो हमारे विंटर के टाइम पर आपको ये दोनों जगह पर दिखेंगे। जैसा हमारा विंटर ख़त्म होगा तो वो क्या हो गए समर के टाइम पर वो यहाँ से वो चले जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ माइग्रेटरी, माइग्रेटरी मतलब वो प्लेस चेंज करने वाले बर्ड, वो 15,000 किलोमीटर तक भी वो क्या करते हैं, वो फ्लाइंग कर सकते हैं, ठीक है, उड़ सकते हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब जो है द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रॉपिकल तो ये जो एरिया होता है वो काफ़ी सारी हॉट होता है, हॉट क्लाइमेट्स में होता है बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन अराउंड द इक्वेटर, इक्वेटर इक्वेटर के अंदर होता है, इसीलिए वो क्या हॉट होता है। जैसे हमारी अर्थ है ना, तो ये जो है वो पोल वाला है, इक्वेटर मतलब बीच वाला जो अंदर वाला जो पार्ट है इक्वेटर इस पर होता है। वेन इज़ द कोल्डेस्ट मंथ इन द टेम्परेचर इज जनरली हायर देन अबाउट 15 डिग्री ड्यूरिंग द हॉट समर देन टेम्परेचर में क्रॉस 40 डिग्रीज, मीन्स वो विंटर के टाइम पर 15 डिग्रीज के अराउंड होता है और समर के टाइम पर 40 डिग्री हमारा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो डे एंड नाइट आर ऑल्सो इक्वल इन लेंथ थ्रू आउट द ईयर्स, दे दिस रीजन्स गेट प्लेंटी ऑफ रेनफॉल एंड इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस रीजन इज अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर फाउंड इन द वेस्टर्न घाट्स एंड आसाम इन इंडिया, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल अमेरिका एंड सेंट्रल अफ्रीका बिकॉज ऑफ कंट्रीज वर्थ एंड रेंज, मीन्स ये जो रीजन्स के अंदर काफ़ी सारा रेनफॉल्स भी होता है, ठीक है, उसके अंदर डे और नाइट ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसा हमने देखा ना पोलर रीजन्स के अंदर 6 मंथ तक डेज होता है, 6 मंथ तक नाइट, यहाँ पर क्या दोनों सेम होता है, ठीक है। ये एरियाज के अंदर काफ़ी सारा ठंड भी होता है, गर्मी होता है, रेन फॉरेस्ट भी होता है। तो ये जो एरियाज़ है वो कहाँ पर, हमारे वेस्टर्न घाट्स के अंदर, इंडिया के अंदर आसाम जो है वहाँ पर है, साउथ ईस्ट में भी आए ये अवेलेबल होता है इस तरह का क्लाइमेट, सेंट्रल अफ्रीका, अफ्रीका अमेरिका इस तरह का यहाँ पर होता है। तो दिस रीजन सपोर्ट वाइड वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दे मेजर टाइप ऑफ एनिमल्स एनिमल्स लिविंग इन द रेन फॉरेस्ट आर मंकीज, एपल्स, गोरिलाज, टाइगर्स, एलिफेंट, लेपर्ड, लिजर्ड, स्नैक्स, बर्ड्स एंड इंसेक्ट, मीन्स ये इस तरह के रीजन्स के अंदर काफ़ी सारे प्लांट और एनिमल्स एग्जिस्ट है, काफ़ी सारे एनिमल्स भी लिविंग कर सकते हैं, जैसे मंकी है, एपल्स है, गोरिला है, टाइगर है, सब चीज़ क्या है यहाँ पर वो अच्छे से लिविंग कर सकते हैं। लेट अस रीड अबाउट द एडेप्टेशन ऑफ दिस एनिमल्स टू अ हॉट ह्यूमिड क्लाइमेट, मीन्स उसका एडेप्टेशन मतलब किस तरह का क्लाइमेट होता है, एडेप्टेशन मतलब हमें जो एटमोसफियर चाहिए और इस तरह से हम जी सकते हैं, जैसे कि हम हमारा एटमोसफियर हमारे आजू बाजू का जो होम का होता है कितना सुकून वाला होता है, मतलब सब चीज़ नॉर्मल होती है। जैसे आप कहीं पर इंडस्ट्रीज़ के बारे में रखो बाजू में हमारा होम का तो मज़ा ही नहीं आएगा क्योंकि आपको टॉर्चर नहीं होगा। तो एडेप्टेशन ऐसी चीज़ है जैसे वो ईजिली रह सकता है, उसको जिस तरह का क्लाइमेट चाहिए उस तरह का वो, तो यहाँ पर किस तरह से वो जियेंगे मतलब किस तरह का चाहिए वो हमें डिस्कस करना है। दिस क्लाइमेट कंडीशन इन रेन फॉरेस्ट आर हाईली सुटेबल फॉर द सपोर्टिंग एंड एनॉर्मस नंबर्स एंड वेराइटीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है, उनको काफ़ी सारा सुटेबल होता है और उनके काफ़ी सारे एनिमल्स भी उसमें रह सकते हैं, उस इस तरह का क्लाइमेट हमारा होता है। सिंस द नंबर ऑफ लार्ज दिस इज इंटेंस कॉम्पिटिशन फॉर फूड एंड शेल्टर्स में एनिमल्स आर एडेप्ट टू लिविंग्स ऑन द ट्रीज, रेड आई फ्रॉग आर डेवलप्ड इज स्टिकली पैड्स ऑन इट्स फीट्स टू हेल्प इट क्लाइम ट्रीज ऑन विच इज लिव्स, मीन्स यहाँ पर काफ़ी सारे लार्ज एरिया में कॉम्पिटिशन्स होता है, उनको खाने के लिए कॉम्पिटिशन्स होती है क्योंकि काफ़ी सारे एनिमल्स हैं तो सभी लोग किसी को खाएंगे खास है तो फूड बनाकर खाएंगे, तो यहाँ पर काफ़ी सारी कॉम्पिटिशन्स होती है। तो यहाँ पर ट्रीज के अंदर नॉर्मली रेड आई फ्रॉग भी आपको दिखाई देता है, कैसा रेड आई फ्रॉग आपको यहाँ पर दिखा हुआ देखो, उसके जो पैड्स है मतलब उसके जो पाँव है उस पर वो चिकना चिकना मतलब एक लेयर्स भी आया होता है तो ईजिली वो क्लाइंब कर सकता है, ठीक है। अब रेड आई और रेड उसके पैड्स आए हुए होते मतलब उसके पैर आए होते हैं। द हेल्प देम द लीव्स ऑन द ट्रीज, मंकीज हैव द लॉन्ग टेल्स फॉर द ग्रास्पिंग ब्रांचेज,
है, देयर हैंड्स एंड फीट आर सच दैट दे कैन इजिली होल्ड ऑन द ब्रांचेस। ठीक है, तो उसके हैंड भी और उसकी टेल्स भी इतनी बड़ी होती है, उसके हैंड भी इतने बड़े होते हैं, फीट भी बड़े होते हैं, तो अच्छे से वो ब्रांचेस को पकड़ कर अपना बैठ सकते हैं और वहाँ मतलब सुटेबल तरीके से बैठ सकते, अच्छे से काम कर सकते हैं। एज देयर इन कॉम्पिटिशन फॉर फूड सम एनिमल्स आर एडेप्टेड टू गेट फूड नॉट ईजिली रीचेबल। स्ट्रिंकिंग एग्जाम्पल्स इज दैट द बर्ड टॉकन विच पॉजिज अ लॉन्ग लार्ज बीक, दिस हेल्प टू टॉकन टू रीच द फ्रूट और ब्रांचेस विच आर अदरवाइज टू वीक टू सपोर्ट इट वेट। मीन्स ऐसा कुछ जो अदर एनिमल्स होते हैं उसको भी काफ़ी सारी फूड के लिए कॉम्पिटिशन्स होती है, वो ईजिली वो नहीं ले सकते थे। ऐसा के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स, बल्स टॉकन, टॉकन मतलब इस तरह के जो बर्ड्स है उसकी जो चौंच जो होती है ना वो बड़ी बड़ी होती है, काफ़ी सारी बड़ी होती है, उस तरह के हमारे बर्ड्स है उसको होंगे, हम टॉकन के अंदर वो आएंगे। ठीक है, तो वो क्या है कि भाई किसी पर बैठ जाएंगे, जैसे कि भाई हमारा जो ट्रीज़ है, कोई ट्रीज़ है उसका स्टीम है, ब्रांचेस है वेरी वीक है, कोई बैठेगा तो वहाँ पर गिर जाएगा, तो वहाँ इस तरह से वो बैठ नहीं सकते, तो क्या करेंगे अपनी चोंच से कोई फ्रूट है किसी की ब्रांचेस पर, मतलब एक प्लांट पर, अच्छे वाला प्लांट बाजू में है और यहाँ पर फूड है उसके जो ब्रांचेस है वेरी वीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर बैठ कर अपनी चोंच से वो अपना फूड ईजीली वो ले सकेगा, लेगा उसके वेट को भी क्या करता है वो मेंटेन कर सकता है, मतलब उसके वेट के अकॉर्डिंग टू वो बैठ सकता है। और आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ पर है टॉकन एनी बर्ड्स आपको दिए हुए हैं। ठीक है, मैनी ट्रॉपिकल एनिमल्स हैव द सेंसिटिव हियरिंग, शार्प शार्प आई साइट, थिक स्किन एंड स्किन कलर्स विद हेल्प देम टू कैमोफ्लेज बाय द ब्लेंडिंग विद द सराउंडिंग। ठीक है, यहाँ पर एनिमल्स के अंदर काफ़ी उनकी हियरिंग सेंसिंग भी अच्छी होती है। ठीक है, सार्फ आई साइड मतलब देख भी सकते हैं, स्किन भी उनकी ठीक होती है, उनका कलर चेंज करने की एक क्वालिटीज़ अंदर होती है, उसको क्या उनके कैमोफ्लेज बोलेंगे, कैमोफ्लेज मतलब वो कलर चेंज करने के, जैसा हम कचिंडा जो बोलते हैं ना अपना कलर चेंज कर रहा है, इस तरह से यहाँ पर फ्रॉग भी क्या है कि भी दिया ग्रीन ग्रीन है तो अपनी आई बंद कर देगा तो वो ईजिली पता नहीं चलेगा, उसके जो प्रे करने वाला जो आ रहा है उसको वो दिखाएगा नहीं, उसके अंदर ये सब चीज़ होती है। दिस इज टू प्रोटेक्ट देम द प्रीडिएटर। ठीक है, वो अपने प्रीडिएटर मतलब जो खाने आ रहा है उसको, मतलब जो शिकार करने आ रहा है उसका, उससे वो बच सकता है। एग्जाम्पल्स बिग कैट लाइन एंड टाइगर्स हैव थिक स्किन एंड सेंसिटिव हियरिंग। ठीक है, वो उसकी थिक स्किन भी होती है, सेंसिटिव हियरिंग मतलब कोई दूर से आ रहा है तो वो अच्छे से कैचअप कर लेगा, तो उसको पता चल जाएगा। द लाइन टेल्स मैक्यू ऑल्सो कॉल्स द बर्ड ऐप एप लिव्स इन द रेन फॉरेस्ट वेस्टर्न घाट्स इज मोस्ट ऑफ आवर आउटस्टैंडिंग फीचर्स इन द सिल्वर वाइट मैन विच सराउंडिंग द हेड फ्रॉम द चीक्स डाउन इन टू इट्स चीन। मीन्स ये जो बात की हुई है मैक्यू की बात की हुई, जो मंकी की जो बात की हुई है, ठीक है, वो वेस्टर्न घाट्स के अंदर आपको दिखा देते हैं, उसके अंदर सिल्वर वाइट कलर का जो माउथ वाला जो एरिया होता है, माउथ के पास वाला एरिया होता है वो अच्छा ब्यूटीफुल होता है। ठीक है, वो अपने आगे हेड से वो जुड़ा हुआ होता है, मतलब अ गुड क्लाइंबर टू स्पेंड द मेजर पार्ट इज लाइफ ऑन द ट्रीज। वो क्या है क्लाइंबर मतलब वो कूद सकते एक जगह से दूसरी जगह पर, वो अच्छे से ज़्यादा टाइम ट्रीपर्स भी ट्रीज के ऊपर ही रहते हैं अपना फूड लेने के लिए, कहाँ पर रहते हैं ट्री पर, मंकी कहाँ पर रहेगा ट्री पर ही रहेगा। इट फीड्स मेनली ऑन फ्रूट ऑल्सो ईट सीड यंग लीव्स स्टेम्स फ्लावर्स एंड बर्ड्स। दे ब्रीड ऐप ऑल्सो सर्चिंग फॉर द इंसेक्ट्स अंडर द बार्क ऑफ द ट्री। सिंस द एबल टू गेट सफिशेंट फूड ऑन द ट्रीज इट रेयरली कम्स डाउन ऑन द ग्राउंड। मीन्स वो क्या है अच्छे से फूड भी खा सकता है, सीड्स भी खा सकता है, वो स्टीम्स भी खा सकता है, यंग लीव्स भी खा सकता है, ठीक है, बर्ड्स भी फ्लावर्स सब चीज़ खा सकता है मंकी। समटाइम्स उसको फूड नहीं मिला तो वो अब नीचे ग्राउंड पर आकर वो ऐप ऑल्सो सर्चिंग मतलब वो सर्चिंग इंसेक्ट, छोटे छोटे इंसेक्ट भी वो खा सकता है, समटाइम्स ही वो आपको नीचे दिखा देगा, अदरवाइज वो ट्रीज पे ही क्या अपना फूड वो गेन कर लेगा, अच्छे से उसको मिल जाएगा। ठीक, अब जो बात है हमारा एलिफेंट की बात है, एनिमल अनदर वेल नोन एनिमल्स ऑफ इंडिया ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द एलिफेंट द इट हैज़ एडेप्टेड टू द कंडीशन ऑफ रेन फॉरेस्ट इट मैनी रिमार्केबल वे। लुक एट द ट्रंक इट यूज इट हैज़ नोज बिकॉज ऑफ विच इज हैज़ अ लॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल्स। ठीक है, ये हमारा एलिफेंट है हमारे इंडिया के अंदर, ये रेन फॉरेस्ट रीजन के अंदर दिखाई देता है।
ठीक है, उसकी जो ट्रंक होती है, मतलब ये ट्रंक होती है वो क्या काफ़ी बड़ी होती है, उसके अंदर वो नोज़ आई होती है, इसलिए उसकी सेंसिंग ऑफ नोज़ वो काफ़ी अच्छी होती है, स्मेल्स भी अच्छे से वो ले सकता है। ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज बाय इट फॉर पिकिंग अप फूड, अपनी ट्रंक से अपना फूड ले सकता है। मोर ओवर इस ट्रंक्स आर मॉडिफाइड टीथ, दिस कैन टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज दैट एलिफेंट लव्स टू ईट, मीन्स उसके ये जो बार्क जो होते हैं, मतलब उसके जो दांत होते हैं वो खाने के कुछ अलग होते हैं और दिखाने के कुछ अलग, हम बोलते हैं ना जो एलिफेंट जैसे बात है खाने के अलग कुछ दिखाने के कुछ, इस तरह से होते हैं। एलिफेंट टू एबल टू हैंडल द कॉम्पिटिशन फॉर फूड रेदर वेल, द लार्ज ईयर ऑफ द एलिफेंट हेल्प टू हियर इवन वेरी सॉफ्ट साउंड, दे ऑल्सो हेल्प द एलिफेंट टू कीप कूल इन द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द रेन फॉरेस्ट, में वो अच्छे से अपना फूड चूज कर लेता है, मतलब अच्छे से गेन कर सकता है। और उसके जो ईयर जो होते हैं काफ़ी सारे बड़े होते हैं, तो उसके अंदर जो लो साउंड की भी जो कोई साउंड आ रहा है, कोई मतलब कोई मूवमेंट हो रहा है, तो अच्छे से वो सुन सकता है। और हॉट जब हमारा हॉट वाला जब हमारा क्लाइमेट जब होता है, तो उस टाइम पर वो अपना देखना, अपने जो आपने कभी एलिफेंट देखा हो तो अपने देखना उसके जो ईयर जो है, उसके जो कान जो है ईयर, वो हिलाते ही रहेंगे, तो उससे क्या होगा वो अपनी बॉडी को वो हॉट कूल भी रख सकता है, मतलब अपनी बॉडी को हवा भी डाल सकता है, तो इस तरह से वो वर्क कर सकता है। तो हमने काफ़ी सारी चीज़ देखी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ पर एक जो मैंने अभी जो बर्ड की जो एक बात हुई है, वो बर्ड की जो माइग्रेटरी माइग्रेटरी बर्ड जो है वो क्या है, एक जगह से दूसरी जगह पर वो जाते हैं, 15,000 किलोमीटर तक वो रनिंग कर सकते हैं, मीन्स वो स्टॉप कर कर। तो क्या होता है समर के टाइम पर वो अपना प्लेस चेंज करते हैं, उनको विंटर जहाँ पर होता है जिस कंट्रीज के अंदर जिस एरिया के अंदर वहाँ पर वो स्टे करते हैं, जैसे यहाँ पर भी क्लाइमेट चेंज होगा तो वहाँ से उड़ कर वो चले जाएंगे, इस तरह से कहते हैं। आई होप आप लोग को अंडरस्टैंड आएगा। इफ़ एनी डाउट इफ़ एनी क्वेरी तो कॉमेंट्स में डाल सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।